सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं नाराज महबूब को वापस पाने की दुआ। तो मेरे दोस्तों, आपको दुआ पढ़ने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। सफेद कागज, लाल स्याही वाला पेन और एक बादाम। मैं आपको दुआ पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। वजू करने के बाद कागज के ऊपर अपना और अपने महबूब का नाम लिखें, कागज के अंदर बादाम को लपेट लें। अब सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद स्क्रीन पर दी जा रही दुआ को 141 मरतबा पढ़ें। फिर से सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद कागज में लिपटे बादाम के ऊपर दम करते उस बादाम को हिफाजत के साथ अपने पास रखें। जब आपका महबूब वापस आ जाए तो इस बादाम को कहीं पर जाकर दबा आएं। ये दुआ पढ़ते वक्त कुछ बातों को जहन में रखना है। इस दुआ को जुमे के दिन से पढ़ना शुरू करें। अपना और अपने महबूब का पूरा नाम लिखें। दुआ की कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज बेहद जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।